हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मेड इंग्लिश अड्डा पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12th के जो बुक है रेनबो का, उसका चैप्टर 16 यानी ये पोयम है जिसका नाम है एन एपिटाफ, ओके, जो कि वाल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश पोएट थे, क्लियर है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग जानें कि एपिटाफ क्या है। What is an epitaph? यानी an epitaph जो है ये क्या है। तो guys, epitaph जो है ये क्या होता है उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो epitaph जो है क्रिश्चियन में, guys, जब कोई मर जाता है, क्रिश्चियन में जब कोई मर जाता है तब उसे दफनाया जाता है, तब उसको क्या किया जाता है, उसको दफनाया जाता है, और उसके उसके ग्रेव के ऊपर, यानी उसके ग्रेव के ऊपर एक टोमस्टोन लगाया जाता है। यानी ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और टोमस्टोन का मतलब होता है कब्र पर लगाया गया उसके यादगार में कोई पत्थर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो गाइज क्या होता है कि जब कोई क्रिश्चियन में मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद उसके कब्र के ऊपर एक टोमस्टोन लगाया जाता है, एक यादगारी पत्थर लगाया जाता है, और उस पत्थर पर, उस टोमस्टोन पे कुछ लाइंस लिख दी जाती हैं, और वो जो लाइन लिखी जाती है वो क्या होता है, उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति मर गया है उसी से रिलेटेड उसके यादों में कुछ लाइंस लिखे जाते हैं, ओके, और उसी लाइंस को गाइस जो लिखा जाता है समाधि के ऊपर उसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाधि लेख, स्मृति लेख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिटाफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिटाफ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा गाइस क्या एपिटाफ क्या है। अब देखिए, ये जो एपिटाफ क्या है, तो एपिटाफ जो है ये एक ब्यूटीफुल लेडी है, ओके, यानी ये जो एपिटाफ जो लिखा गया है एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में लिखा गया है। जो लेडी है, ब्यूटीफुल लेडी है, वो अब मर गई है, वो अब मर चुकी है, जिसको कवि जो है, लेखक जो है, राइटर जो है वाल्टर डीला मेयर, वो क्या उसको याद करके वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, तो मैं इसके कब्र पे आता हूँ, इसको याद करता हूँ, इसके जो वो सुंदरता पल था, इसकी जो खूबसूरती है उसको मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा, मेरे मरने के बाद इस खूबसूरत लेडी को, ब्यूटीफुल लेडी को कौन याद करेगा। इन सारी चीज़ों को इन चीज़ों को वो सोचते हुए इसमें लिखे हैं, ओके, और गाइज इस तरह से, और वो कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा तो इसको कौन याद रखेगा, यानी मेरे मरने के बाद, इतना वो उस लेडी के बारे में फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये पोएम क्या है इसके बारे में हम लोग आज समरी के रूप में जानेंगे, और गाइस इसके बारे में पोएम क्या है, इसका पोएम का थीम क्या है, और इस किस बारे में लिखा गया, इन सारी चीज़ों को मैं इस समरी के अंदर बताऊंगा। तो मेनली देखिए गाइस क्या है, ये एक मेमोयर पोएम है। मेमोयर पोएम किसे कहते हैं, तो मेमोयर पोएम का मतलब होता है कि वैसा पोएम जो किसी के यादों में लिखा गया हो, किसी के याद में जो लिखी गई पोएम होती है उसको मेमोयर पोएम कहते हैं। तो ये क्या है, मेमोयर पोएम है एपिटाफ। और गाइस क्या है, ये जो पोएम है ये ज़्यादा बड़ा नहीं, ये बिल्कुल ही शॉर्ट पोएम है, ये ओनली 8 लाइन की पोएम है, केवल ये 8 लाइन की, 8 पंक्ति की ये कविता है, पोएम है। और इसकी जो थीम है, इस पोएम की थीम क्या है, तो इस पोएम की थीम है डेथ एंड इफेक्ट ऑफ टाइम। डेथ एंड इफेक्ट ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि यानी किस तरह से लोग मर जाते हैं, और मरने के बाद कुछ समय बीतने के बाद उसको लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं, चाहे वो लोग कितना ही फेमस क्यों ना हो। जैसे गाइस अभी क्या, ऋषि कपूर ले लेते हैं, सुशांत सिंह राजपूत लेते हैं, सपोज ये फेमस लोग हैं, फेमस पर्सन हैं, ये मर गए हैं, इसको लोग कुछ दिन याद किए लेकिन अब उसको भूल चुके हैं बिल्कुल से। कहीं सुशांत सिंह राजपूत या फिर शशि कपूर या जो भी हैं उसको कोई याद नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब है, कवि कह रहे हैं क्या कि चाहे आदमी कितना ही फेमस क्यों ना हो, लेकिन वो जब मर जाते हैं तो उसके कुछ ही समय के बाद, उसके मरने के कुछ ही समय के बाद लोग उसे बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाते हैं। इस तरह से समरी के बारे में है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के अब इसके समरी को समझते हैं, इसका समरी क्या है, इसके लाइन बाय लाइन को समझते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। और इस समरी को मैं इतना स्मार्ट तरीके से बताता हूँ कि आप एग्जाम में बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं बिना किसी याद किए हुए, सिर्फ मेरे द्वारा बताए गए बातों को आप अच्छे से सुने, इससे आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा, बस इस समरी के माध्यम से। सिर्फ एक समरी को आपको समझना है, इससे आप समरी सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं, इतना सारा चीज एक समरी से आप बना सकते हैं, इसलिए आप इस समरी को लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एन एपिटाफ के समरी को। ओके तो देखिए गाइज जैसा कि आपको यहाँ पे रिटर्न किया हुआ दिख रहा होगा यानी लिखा हुआ दिख रहा होगा इस डिस्प्ले पे, तो इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑन वर्ड्स में यानी गाइज अपने शब्दों में लिखा है। इसलिए मैंने इसको अपने शब्दों में इसलिए लिखता हूँ गाइज क्योंकि इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें ग्रामेटिकल चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। ओके इसमें कोई किताबी नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको ग्रामेटिकल नॉलेज मिलेगा और ये इस तरीके से मैं बताता हूँ कि इससे आपको इजी तरीके से समझ में भी आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है कि दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम नेम्ड एन एपिटाफ विच हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डिला मेयर। गाइज मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे देखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि यह एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसका नाम है एन एपिटाफ, जो कि वाल्टर डिला मेयर के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर देखिए क्या है, ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। गाइज देखिए ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये मैं सारे चैप्टर्स में कॉमन लिखता हूँ, ये इसलिए लिखता हूँ कि जिससे कि आपको याद हो जाए, सब में क्या एक जैसा है लिखता हूँ। सिर्फ करना क्या है कि चैप्टर्स नेम एंड देयर राइटर्स नेम उसको आपको चेंज कर देना है, बाकी सारा सेम चीज रहेगा। क्लियर है। अगर आप ऊपर का ये फोर लाइन्स अगर अच्छे से लिख देते हैं तो गाइज क्या होता है आपके जो एग्जामिनर हैं कॉपी चेकर होंगे उनके ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेस बनेगा और आप बीच में अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी करते हैं फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा क्योंकि ऊपर का जो पैराग्राफ है उसको आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। इसलिए आपको क्या करना, ऊपर का जो लाइन मैं लिखता हूँ उसको आपको क्या करना याद हो जाएगा, याद कर लेना है। और गाइज ऐसे भी अगर आप चैप्टर वन से अगर देखते हैं तो आपको अभी तक याद ही हो गया होगा क्योंकि सारे में कॉमन चीज है, आप बार बार हर एक चैप्टर में एक ही चीज बोलेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, आपको रटा जाएगा। ओके तो अगर आपने नहीं देखा सारे वीडियोस को समरी को तो गाइस प्लेलिस्ट में जाएं, वो वीडियो डाला हुआ समरी का ए टू जेड वीडियो आपको वहां से मिल जाएगी। तो देखिए क्या है, दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम, यह एक खूबसूरत पोएम है जिसका नाम एन एपिटाफ है जो कि वाल्टर डिला मेयर के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। और वाल्टर डिला मेयर जो है एक इंग्लिश साहित्य के बहुत ही फेमस और बहुत ही महान लेखक थे, कवि थे। क्लियर हो गया। तो चलिए गाइस देखिए अब आगे देखते हैं क्या है कि इन दिस शॉर्ट पोएम द पोएट टेल्स अबाउट अ लेडी हु लाइज इन द टॉम। ओके अब देखिए इस छोटे से पोएम में इस जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ 8 लाइन की कविता है, नहीं बहुत ही छोटी कविता है, तो ये जो शॉर्ट पोएम है इस पोएम में कवि बताते हैं किसके बारे में, अ लेडी हु लाइज इन द टॉम, वह एक लेडी के बारे में जो टॉम यानी कब्र में क्या लेटी हुई यानी क्या मरने के बाद जब उसको कब्र में दफनाया जाता है तो लेडी जो कब्र के अंदर दफनाई हुई है उसके बारे में कवि यहाँ पे बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, तो सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री। कह रहे हैं कि वह एक बहुत ही खूबसूरत मोस्ट ब्यूटिफुल यानी क्या गाइज ये सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ओके यहाँ पे क्या है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, ब्यूटीफुल क्या है दो से ज्यादा सिलेबल का इसलिए मोस्ट लगा यानी सुपरलेटिव है। तो गाइज यहाँ पे क्या कर रहा है कि वह जो लेडी लाई की हुई है टॉम में, तो कह रहा है कि वह सबसे खूबसूरत लेडी है दैट वॉज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, कह रहा है कि वो पश्चिमी देशों में शायद ही वैसी कोई लेडी पैदा हुई होगी। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि वह इतनी खूबसूरत लेडी थी, इतनी खूबसूरत लेडी थी वेस्ट कंट्री की, शायद उसके टक्कर की कोई दूसरी ब्यूटीफुल लड़की नहीं थी, लेडी नहीं थी। ओके वो ऐसा कह रहे हैं कि इतना सुंदर थी, इतना बेहतरीन थी वो कि उसके टक्कर की कोई दूसरी लड़की नहीं थी। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि बट हर ब्यूटी वैनिशेस व्हेन शी डाइज, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन उसकी जो सुंदरता है उसकी जो ब्यूटी है खूबसूरती है वो धीरे धीरे क्या अब बिखर रहा है, धीरे धीरे उसकी जो सुंदरता है वो खत्म हो जा रही है व्हेन शी डाइज, जब वो मर गई है यानी जब वो मर गई है उनके मरने के बाद उनकी जो सुंदरता है खूबसूरती है वो अब धीरे धीरे क्या उखड़ रहा है, बिखर रहा है, उनसे उनकी चेहराओं से दूर हो रहा है। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं, द पोएट लव्ड हर वेरी मच, और कवि कहते हैं कि यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कवि जो है उस ब्यूटीफुल लेडी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो मर गई है, उसकी जो सुंदरता है उसको वो अभी भी याद कर रहे हैं, उतना उससे उनको मोहब्बत है। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं, सो ही वॉज बीपली बिटरली टू नो अबाउट हर डेथ। अब देखिए इसलिए
कभी जब है उनकी मौतों की खबर, उनकी मौत की खबर को सुना, लेखक वाल्टर डीला मेयर जब उस लेडी की मौत की खबर को सुने तब क्या वो काफ़ी ज़्यादा चीख चीख कर विटरली वीपिंग, यानी वो चीख चीख कर रोने लगे, ओके, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत जो करते थे। आगे फिर देखिए वो क्या कहते हैं कि ही बिगैन टू रिमेंबर दियर पास्ट, और वो इसलिए भी रोते थे क्योंकि उनकी जो बीती हुई चीज़ है, उनकी जो पास्ट है, अतीत है, उस लेडी के साथ जो उनके बिताया हुआ पल है, उन चीज़ों को याद करके वो और ज़्यादा रोते हैं। और आगे देखिए वो फिर क्या अपनी फीलिंग्स को लिखे हैं कि ही यूज्ड टू सिट बिसाइड हर टॉम, ही फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर। अब देखिए, और वो कहते हैं कि वो जो ही यूज्ड का मतलब होता है गाइस जाया करता था, जाई करती थी या फिर जाए करते थे, इस तरह से ये ग्रामर का चैप्टर है। ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको डे 60 डेज का जो बेसिक बताया है डे 1 से डे 60 तक, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएंगे, ओके। यानी डे 1 से डे 60 तक गाइस जो मैंने आपको बताया है उसमें ग्रामर का A to Z, पूरे ग्रामर का, होल ग्रामर का A to Z कॉन्सेप्ट आपको उसमें मिल जाएंगे, चाहे ग्रामर का आप कोई भी टॉपिक देख लीजिए, ओके। डे 1 से डे 60 तक आप अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आई होप कि गाइज आपको ग्रामर में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए वो क्या है, ही यूज टू सिट बिसाइड हर टॉम, वो उसके टॉम यानी उसके कब्र के पास डेली जाया करते थे, उसके बगल में वो बैठते थे और उसको याद करते थे, और याद करके वो रोते थे। और क्या कहते हैं, देखिए, ही फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ, यानी उसके मरने के बाद भी वो वही फीलिंग को क्या करते हैं, फिर से ताज़ा कर रहे हैं। नो बडी विल रिमेंबर हर, और वो कहते हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ तो मैं डेली इनके कब्र के पास आता हूँ, इसको याद करता हूँ, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो कौन इसके कब्र पर आएगा, कौन इसको याद करेगा, ये चीज़ कभी सोच रहे हैं, कह रहे हैं। सो दिस इज ए ब्यूटिफुल पोएम, या सो दिस इज ए नाइस पोएम, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह खूबसूरत कविता है, और यहीं पे यह पोएम खत्म होती है, ओके। यानी गाइस कहने का मतलब क्या हो, यहाँ पे कवि जो है जाते जाते यहाँ पे एक हमें सीख देते जाते हैं, हमें एक क्या लेसन दे रहे हैं कि जब चाहे कोई भी ब्यूटीफुल लेडी हो, चाहे कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, चाहे कोई भी पर्सन कितना खूबसूरत क्यों ना, स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब वो मर जाते हैं तो उसकी जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसकी जो सुंदरता है वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी स्मार्टनेस, अपनी ब्यूटी के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम जब तक जिंदा हैं तब तक एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, किसी को अपने सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, ये लेसन हमें ये चैप्टर देती है, ओके। आई होप कि दोस्तों आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छा लगा, आपको ये जो डिस्कशन था, आज का समरी था, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर गाइस कमेंट करें, ओके। और इसी तरह का वीडियो मैं डेली अपलोड करते रहता हूँ आपके आने वाले जो 2022 में एग्जाम है उससे रिलेटेड, आपको क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सारा ग्रामर का जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारा मैं आपको कराऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, ओके। तो चले गाइस बिना देरी किए आज के सेशन को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।